सामान आ चुका है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है। मेरा कुछ दिन पहले ना डोसा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ये मंगा लिया, इडली डोसा। अब यार मुझे लगा कि ये पाउडर के फॉर्म में आएगा, बट ये आ गया बैटर की फॉर्म में। मैंने जल्दी जल्दी मंगा लिया। मैंने कहा पेस्ट तो क्या ही आता होगा, क्योंकि कभी आया ही नहीं ऐसे, हमेशा पाउडर में आता था। अब मैंने मंगा लिया। अब दिक्कत क्या है, घर जाना हो नहीं रहा। ये वैलिड भी शायद ज्यादा दिनों तक नहीं है, यूज्ड बाय 20 तारीख। और भाई अभी 2-3 दिन है 20 में, तो घर जाना भी होने का नहीं। मैं चलो यहीं पे इसको बनाया जाए। तो अभी हम जो है सांभर बनाने जा रहे हैं। तो जी सामान सारा रेडी हो चुका है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं जो जो हमें डालने हैं सांभर बनाने के लिए। तो जी पहले तो है दाल, ये मैंने भिगो के रख दी। एक बाउल दाल है, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, यह है करी पत्ता, फिर है थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, इमली की चटनी जो बाद में डलेगी, फिर हमारे पास थोड़ी सी मिर्च दो, ये है राई, ये है हमारे पास दालचीनी, काली मिर्च वगैरह का पाउडर, और ये लाल मिर्च, ये थोड़ा सा मसाला गरम, सौंफ, धनिया, नमक, हल्दी और सांभर मसाला, और ये हींग। और हमें थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो शुगर हमारे पास जो है। ये पूरा हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अब बनाने शुरू करते हैं। मतलब ये बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है, जिसका मन होगा जो खाने का तो वो ईजिली बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें दाल बॉईल करनी है, उसमें 1-2 सीटी लगानी है बस, हल्का सा नमक और हल्दी डाल के। तो पहले ये काम करते हैं। तो हमने कुकर चढ़ा लिया, कुकर में हमने दाल डाल दी, और मैंने ये वाली बाउल दाल ली थी पूरी एक बाउल, तो मैंने उसका 3 गुना पानी डाल दिया, ठीक है। क्योंकि यार हम लोग ही ना, लड़के लोग ही, यही कन्फ्यूजन रहता है कि यार दाल बनाए तो पानी कितना डालें, ये नहीं है तो नमक कितना डालें। तो थोड़ा सिंपल एंड सॉर्टेड है, जितनी आप मेजरमेंट के लिए ले रहे हो उससे 3 टाइम्स पानी डाल दो और 3 सिटी लगा दो बस। तो भाई इसमें जो है हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ये हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, थोड़ा सा वो डाल दो क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे ना नमक। और हमने हल्दी डाल दी, और ज़्यादा करोगे तो भाई हल्का सा जो है ये 1 चम्मच डाल दो सौंफ धनिया, बस इससे फालतू कुछ नहीं डालना। अब हम इसमें 2 सिटी लगाएंगे, 2 या 3 सिटी लगा देंगे। चलो मैं इसको ढक्कन ढक देता हूँ कैमरा बंद करके, वरना एक हाथ से ढका नहीं जाएगा। चलो भाई अब प्रिपरेशन शुरू करते हैं छौंक की, ठीक है। उसमें जो भी सब्जी, क्योंकि भाई मैं थोड़ा ना, मैं सांभर थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, डिफरेंट तरीके से। बेसिक क्या होता है, लोग पहले सब्जी, प्याज, टमाटर सब छौंक के, फिर सब्जी डाल के, फिर उसमें दाल डाल के, फिर पानी डाल के, तब लोग कुकर में सिटी लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, दाल अलग बॉयल करता हूँ, और जी सब्जी और वो छौंक अलग करता हूँ, सब्जी वगैरह का जो भी सांभर में डलती हैं, फिर दाल बॉयल करके फिर उसको बाद में उसमें डालता हूँ। ऐसे क्या होगा भाई, सब्जी पूरी तरह से घुलती नहीं, वो अलग अलग रहती हैं सब्जी। तो वह सब छौंक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो हमने तेल डाल दिया, तो भाई तेल हो गया हमारा। तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे राई, ये भी हमारी राई, जब ये थोड़ी आवाज़ से करने लगेगी फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। चलो भाई चटक चटक होनी शुरू होगी। अब मैं डाल दूँ उसमें करी पत्ता और हरी मिर्च। इसमें डालनी है लहसुन। तो भाई मुझे तो खुशबू आनी शुरू हो गई, आपको पता नहीं आई नहीं आई खुशबू। इसमें डालने में प्याज, ठीक है, पहले प्याज हल्के बढ़िया ब्राउन हो जाए, फिर टमाटर डालने हैं। अभी 2-3 मिनट और लगेगा इसमें, फिर मैं इसमें टमाटर डाल लूँगा। यार सब यूँ बोलते हैं खाना बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है खाना बनाना ऐसे। अब जिसने कभी बनाया नहीं, वो बनाया नहीं उसने, वो क्या ही बनाएगा। चलो भाई जो है हमारे प्याज हो गए बढ़िया से, और करोगे थोड़े ब्राउन। भाई हमारी बुआजी हैं बहुत एक्सपर्ट खाना बनाने में, तो बुआजी आप बताओ और करूँ ब्राउन प्याज या ठीक है। बुआजी कहेंगी हल्के से और ब्राउन करते बस, फिर डाल दिए। हमारी बुआजी भी यहीं शिफ्ट होगी, नोएडा ही आसपास में ही। अभी जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इस वीकेंड भी फ्री नहीं था, लास्ट वाले वीकेंड में घर चला गया था। भाई जल्दी जल्दी बुआजी के यहाँ भी चक्कर लगाऊंगा, बुआजी भी वेट कर रही होंगी, साहिल आई नहीं अभी तक, तो जल्दी चक्कर लगाऊंगा वहाँ भी। तो भाई चलो भाई हो गया भाई प्याज बढ़िया, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। अरे भैया अभी थोड़ा सा चलाना है, फिर सब चलाने के बाद इसे जब टमाटर भी सही से हो जाए, फिर हम इसमें सारे के सारे जो मसाले हैं
सब कुछ डालना है पहले। हमारा छौंक हो गया सही से बढ़िया, इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया और प्याज और टमाटर भी अच्छे तरह से भूंगे। अब मैं डाल लिया इसमें सब्जियाँ। अब देखो सब्जियाँ आप कोई सी भी डाल सकते हो, मतलब भाई लौकी गाजर तो मैंने अभी लिए हैं क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी, मैं और ज़्यादा लेके भी नहीं आया था। तो जी इसके अलावा बैंगन, मूली, बीन्स और भाई कद्दू और दो तीन चीज़ें जो सब्जियाँ होती हैं वो भी डाल सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है। थोड़ी 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 करके सारी की सारी डाल दो, बट मेरे पास अभी लौकी और गाजर ही है तो इसमें मैं यही दो डाल रहा हूँ अभी। तो भाई मैंने डाल दी सब्जी दोनों की दोनों, अब तो थोड़ा चला लूँ मैं, दाल भी कैरी में आ रही है तो भाई सिट्टी भी आ गई दाल में। तो मैंने अच्छे से चला लिए लौकी और ये गाजर। अब मैं इसमें मसाले डाल देता हूँ, देखो आपको कौन कौन से मसाले डालने हैं। तो भाई मसाले मैंने रेडी कर लिए, क्या क्या डालना है अब इसमें देखो, आपको डालना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, खूब सारा सांभर का मसाला, मैंने 2 बड़े चम्मच सांभर मसाले लिए, हल्का सा सौंफ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला, ये आप स्किप भी कर सकते हो पर मैं डालता हूँ। ठीक है जी, मैं सब का सब ऐसे मिक्स कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा, और भाई फिर मैं इसे बढ़िया तरह चला दूंगा कैमरा रख के। तो भाई मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया इसमें, अब आपको एक चीज़ और डालनी है, ये मैंने इमली का पानी तैयार करके रखा हुआ। अब देखो अब यार आप क्या बाज़ार से जाओगे लेके आओगे इमली, फिर उन्हें पानी में भिगो के रखोगे, तो सिंपल सिंपल आप पैकेट ले आना कोई भी इमली का, इमली के पेस्ट का, और इसमें से भाई ऐसी ना ऐसी 2 चम्मच लेनी बस आपको, ऐसी 2 चम्मच इमली लेना और भाई इसको गर्म पानी में हल्का सा मिक्स कर लेना, और फिर भाई मिक्स करके ये जो है आप इमली का इसमें पानी डाल देना थोड़ा सा खट्टे बन के, ठीक है ना, इसको मिक्स कर लेना। लगभग लगभग हमने सब चीज़ डाल दी भाई इसमें, ठीक है। अब इसमें जाएगा हल्का सा पानी, मैंने 1 कटोरी पूरा पानी डाल दिया इसमें। अब इससे क्या होगा, इससे ना सब्ज़ी हल्की हल्की सी पक जाएगी, पूरी घुलेगी नहीं, ये हार्डली 5-10 मिनट लेगा। तो हमने रख दिया कुक होने के लिए। तो भाई देखो हमारी सब्ज़ी पूरी तरह कुक हो चुकी है, बढ़िया नॉर्मल नॉर्मल इतने सब्ज़ी बन रही थी। इतने मैंने पापा को फ़ोन कर लिया था, मेरे पापा को बताया कि जी ऐसे ऐसे मैं ये बना रहा हूँ, तो पापा ने कहा पहले तो मुझे 2 गाली दी कि भाई हम तुझे वहाँ बोलते ना तू वहाँ मतलब नहीं बनाता, क्योंकि सांभर जो है मेरे हाथ का फेमस है काइंड ऑफ मेरे घर पे, और एक हमारे देवेंद्र अंकल भी हैं जो वहीं रहते हैं हमारे घर के पास, मैंने उनको भी खिलाया था एक बारी, तो वो भी गुस्सा करेंगे वीडियो देख के कि भाई तूने वहाँ बना लिया हमें यहाँ बना के नहीं खिलाया। तो भाई मैं प्रोमिस कर रहा हूँ अब जब भी आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर बना के खिलाऊँगा, दोनों को, पापा को भी और उन्हें अंकल को भी। चलो भाई बाकी ये हो गया हमारा तैयार, अब इसमें हम डालेंगे, दाल भी होगी हमारी बढ़िया। अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल एंड स्ट्रेट हमें दाल लेनी है और हमें इसमें उलट देनी है आराम से, भैया गिर मत जाना बस, ये बात ठीक है जी। ये हमने कर लिया, अब इसको हमको थोड़ा सा चलाना है, इसमें हल्का सा पानी जाएगा थोड़ा सा। तो भाई मैंने इसमें 3 बाउल पानी डाल लिया, ठीक है, और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो थोड़ी पतली पतली होगी अब, और हमें उबाल आने देना है इसमें, फिर ये 10 से 15 मिनट हल्की सी पकेगी और फिर हमारा सांभर एकदम रेडी है। हल्की सी गैस इसकी तेज कर दूँ मैं ताकि इसमें उबाल आ जाए बढ़िया। तो भाई अब धीरे धीरे होने लग रहा है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जब उबाल आएगा इसमें तो किस तरह से आएगा। अब देखो ये ना है, अभी पक गया बढ़िया, अब ये इस तरह से इसमें उबाल आएगा, तो 1-2-3 उबाल आएंगे इसमें इस तरह से, तो इसको वो आने के बाद इसको और थोड़ा 5 से 6 मिनट या 10 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इतने भाई मैं इसमें नमक चेक कर लूँगा, नमक सही है नहीं है, भाई साहब जो स्वाद बनना ना मिर्च बढ़िया हो रही है, तीखा बढ़िया हो रहा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है, क्रिस्प टेस्ट है बहुत बढ़िया भाई, अल्टीमेट टेस्ट है बहुत खतरनाक। दूसरी बार ही बनाऊंगा शायद इतना टेस्टी, मैंने कई बार ही सांभर बनाया पर ये वाला बहुत बढ़िया है भाई, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो भी 10-15 मिनट छोड़ दो इसे पकने के लिए। तो जी भाई सांभर हमारा रेडी है, देखो ये पूरा पक चुका है, अब इसके साथ हम एक सीक्रेट चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा
वीडियो थोड़ी और देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जी फाइनल टच देने के लिए सांभर में आपको क्या करना पड़ेगा? तो जी आपको लेनी पड़ेगी थोड़ी सी राई, थोड़े से करी पत्ता, घी, लाल मिर्च पाउडर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई गैस ना गैस सिम हो, बिल्कुल मतलब बहुत सिम हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पहले इसमें घी डालेंगे, मतलब हम बेसिकली इसको इसमें छोंक लगाएंगे, ऊपर से हल्का सा गर्म होने देंगे। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये राई। भाई राई आप बहुत थोड़ी लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस छोंक में भी शुरू में डाल दी थी। गैस ज़्यादा तेज़ मत करना, मैंने तेज़ कर दी पर मुझे पता कहाँ इसका नस दबानी, क्योंकि अगर जो जब गैस तेज़ करोगे घी गर्म हो जाएगा एकदम, जब आप लाल मिर्च डालोगे तो लाल मिर्च जल जाएगी, तो इसलिए मैं लाल मिर्च को जलाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए गैस सिम रखनी है। तो भाई ये हो गया, ठीक है ना, धुएं आने शुरू हो गए। तो ये आपने डाल दी हल्की सी लाल मिर्च, ये लेके थोड़ा सा चरा लिया, देखो आ गया ना इसमें रंग। बस ये जले ना, क्योंकि अगर जो गैस तेज रहेगी तो जल जाएगा, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा इसको कट लिया, फिर हमने इसमें डाल दिए करी पत्ता, थोड़ा सा चला लिया हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और फिर हमको ये जो सब है ये इसमें डाल देना है। ये सिर्फ ये करना था आपको फाइनल टच में, ठीक है ना। अब इसका जो टेस्ट आएगा वो अलग ही होगा। बाकी भाई ये बिल्कुल रेडी है, आप इसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं। तो जी बस व्लॉग को ही एंडिंग करते हैं, ये हमारी बिल्कुल रेसिपी तैयार होगी। अब आपको सिर्फ अब उसमें डाल के बाउल में डाल के सर्व करनी है। अब चाहे आप इसे इडली के साथ खा लो, चाहे आप इसे डोसे के साथ खा लो, चाहे रोटी के साथ खा लो, चाहे चावल के साथ खा लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप खाना चाहो। सांभर हमारा तैयार है, बस डोसा बनाने में यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि डोसा बनाने के चक्कर में मैं लग गया। बैटर हमारा वैसे रेडी टू है बिल्कुल, अब मुझे करके सिर्फ बनाने हैं, वो मैं बना लूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो है अगर बढ़िया डोसा बढ़िया बेहतरीन हुआ तो मैं थंबनेल पे वीडियो डाल दूँगा, वो फोटो डाल दूँगा विद डोसा। अगर थोड़ा गड़बड़ होगी डोसे में तो मैं खाली सांभर की वीडियो डाल के थंबनेल में अपना वीडियो अपना फाइनल कट बिल्कुल। तो जी आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, जैसे मैंने भी कहीं देखी थी एक डेढ़ साल पहले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसी बस तो भाई इसी तो भाई अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।